देखिए, बहुत सारे लोग पोस्ट प्रेफरेंस को लेके इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और एक दो लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया कि एक्साइज इंस्पेक्टर में क्या रहता है कि फिज़िकल टेस्ट भी रहता है और मेडिकल भी रहता है। तो बहुत सारे लोगों के किसी का चेस्ट एक्सपेंड नहीं हो रहा है, किसी का कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो सोचता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर भरे या ना भरे। तो वो एक बात हो गई। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में लोकेशन लेकर दिक्कत रहती है, किसी की 100 रैंक भी है फिर भी वो श्योर नहीं है कि होम स्टेट पाएगा। MEA में किसी को फॉरेन जाना नहीं है, और दूसरी बात किसी की रैंक भी नहीं है। DA में कुछ लोग उसकी जेड सिटी की पोस्टिंग या फिर 4200 ग्रेड पे होना बोलते हैं कि अच्छी रैंक है तो फिर 4200 ग्रेड पे क्यों लो, और या फिर उसकी वैकेंसी नहीं पता है तो क्या पता उनके स्टेट में हो ना हो, इससे रिलेटेड थोड़ा परेशान रहते हैं। और जैसे ऑडिटर है तो ऑडिटर में वो लोग बोलते हैं कि भाई हमें 4600 4200 मिल रहा है तो हम क्यों 2800 ग्रेड पे में जाएं। और CGA में क्या रहता है कि पता भी नहीं चलता है कि किस मिनिस्ट्री में कौन सी मिलेगी, कहाँ पोस्टिंग होगी, तो उस हिसाब से CGA का भी नहीं रह पाता है। TA तो कोई डिज़ायरेबल नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि TA तो लोग थोड़ा अच्छे मार्क्स होते हैं तो फिर होम स्टेट के लिए ले लेते हैं, या फिर उनके कम मार्क्स होते हैं तो फिर जो मिलता है वो फिर ले लेते हैं। तो अगर हमें पोस्ट का प्रेफरेंस के लिए कुछ गाइड करना हो आपको, तो नंबर एक पर बोलेंगे कि MEA सबसे सही है। अगर आपकी अच्छी रैंक है और आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हो, आपके घर से दिल्ली पास पड़ता है, जैसे राजस्थान है, UP है, बिहार है, MP है, चंडीगढ़ है, मतलब चंडीगढ़ है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड है, इन सब के लिए पास में पड़ेगा, वो काफ़ी अच्छी पोस्ट रहेगी, तो आपको अगर मिल रही तो वो ले लो। ITI काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ITI में प्रमोशन भी अच्छा है, एडिशनल कमीशन तक प्रमोशन हो जाता है, ज्वाइंट कमीशन तक श्योरली बन जाओगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या है उसमें क्या है, वैकेंसी कम रहती है, इसलिए आपको हो सकता है नॉर्थ ना मिले, तो आप अच्छी रैंक ला के भी नॉर्थ से बाहर हो सकते हो अगर नॉर्थ की हो। साउथ वालों के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्थ वालों के लिए यह दिक्कत रहती है। तो इनकम टैक्स हो गया। थर्ड नंबर पर एक्साइज आता है, सबसे ज़्यादा डिमांड में यही चल रहा है। एक्साइज इंस्पेक्टर का डिमांड में होने की वजह यह है कि इसकी वैकेंसी ज़्यादातर सारे जोन्स में रहती हैं, हर जोन्स के लड़कों को मौका मिलता है कि वो अपने जोन चूज़ कर पाए। अगर आपकी 300 रैंक है, हो सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको मिले ही ना, अगर मिले तो हो सकता है साउथ में मिले, लेकिन इनकम GST इंस्पेक्टर में क्या है, हो सकता है आपको नॉर्थ मिल जाए, और चांसेस तो ऐसे बनते हैं कि आपको होम स्टेट भी मिल सकता है। बस एक दिक्कत है एक्साइज इंस्पेक्टर की कि प्रमोशन इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं है, अच्छा ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो एक दिक्कत है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सही है तो हम नहीं लेंगे, और यूनिफॉर्म है ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन वही चीज़ें हैं कि इसकी क्या प्रायोरिटी है, इस पर भी डिपेंड करता है। और DA देखिए, DA तो बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि वर्क कम रहता है, होम स्टेट मिलने के भी चांस रहते हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स बहुत अच्छे रही हैं MEA टाइप या ITI टाइप, तो आप DA लेकर भी होम स्टेट में बने रह सकते हो। दिक्कत क्या है, ये 4200 ग्रेड पे है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है करते हैं लोग, और ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें काम कम रहता है और आप ऑफिशियल मतलब ऑफिसर टाइप से नौकरी करते हो तो अच्छा है, लेकिन सैलरी थोड़ा कम रहती है तो कुछ लोग इसको प्रेफर भी नहीं करते हैं, क्योंकि और दूसरी बात है काम कम होना, क्योंकि काम करे बगैर आप करोगे क्या, लेकिन किसी को तैयारी करना रहता है या फिर किसी को कुछ और करना रहता है, इस वजह से DA ले लेते हैं। अब बात करते हैं ये टॉप पोस्ट है ASO इन CSS, या जितनी टाइप की ASO है, दिल्ली में रहने वाले या दिल्ली के आसपास रहने वालों के लिए सबसे सही ऑप्शन ये रहता है, क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर या ITI या फिर DA इन सब में सिक्योरिटी हो सकता है ना हो होम स्टेट या होम स्टेट के पास में मिलने के, लेकिन ASO में आपका सिक्योरिटी है कि आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलनी ही मिलनी है। तो इस वजह से दिल्ली की पोस्टिंग, जैसे हम ही हैं, हमको हमारे लिए या फिर यूपी वालों के लिए दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए अगर उनको डर लग रहा है कि हो सकता है यूपी ना मिले एक्साइज इंस्पेक्टर में, तो आप दिल्ली ले सकते हैं। तो ये बात हो गई पोस्ट प्रेफरेंस में इन सारी पोस्ट की। अब ASO इन FHQ, ये सब वही चीज़ें हैं, एक रेलवे हो गई, डिफेंस का FHQ हो गया, और CSS हो गया, ME अलग हो गया, IB है, AEO IDE, AEO IDE, ED का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ लोगों को दिक्कत रहती है कि इसमें जो पोस्टिंग होती है वो ऑल इंडिया लेवल पर ट्रांसफरेबल जॉब है, लेकिन प्रमोशन काफ़ी अच्छा है, 4 साल बाद प्रमोशन हो जाता है, तो इसलिए ये
डिज़ायरेबल रहती है। कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग बहुत ही नापसंद करते हैं, क्योंकि वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, कैडर छोटा है। और पावर तो आपको अच्छी खासी इनिशियली मिलती है, प्रमोशन भी अच्छा मिलता है, और आपकी बेसिक पे का 20% एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है, लेकिन उतना ज़्यादा सही नहीं रहे है, सही नहीं मानते हैं लोग, क्या वजह है वो पता नहीं, लेकिन कई लोग इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। ऐसे ही सीबीआई का सब इंस्पेक्टर है, सीबीआई के सब इंस्पेक्टर छोड़ के बहुत सारे लोग एक्साइज इंस्पेक्टर में आए हैं। हमारे साथ भी एक है सर्वेश पाठक, वो सीबीआई में सब इंस्पेक्टर था और वो अब एक्साइज इंस्पेक्टर भोपाल जोन में ज्वाइन किया है। तो सीबीआई में कुछ ना कुछ ऐसी वजह रहती हैं जो लोग उसको छोड़ के बदल लेते हैं जॉब। हेक्टिक भी थोड़ा शायद रहती है, और वो एक पुलिस जॉब है, और पुलिस जॉब थोड़ा हेक्टिक तो रहती है, और लोग सोचते हैं कि एसएससी से हम सेंट्रल की नौकरी पाए हैं, मस्त जीवन जीना है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। तो इस वजह से आईबी का जो एसओ है वो नॉर्मल वर्क ही होगा, उस टाइप का नहीं होगा जो एसीआईओ वाला होता है, वो इंटेलिजेंस का काम नहीं करता है, तो वो नॉर्मल क्लरिकल वर्क रहता है, जैसे एएसओ एंड सीएसएस वाले सारे लोग रहते हैं। तो बहुत सारे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं एएसओ, तो उनकी एक अपनी अलग वजह है, और इंस्पेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग एएसओ छोड़ के इंस्पेक्टर भी बनना चाहते हैं, लेकिन वो एएसओ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनकी पोस्टिंग दिल्ली हो रही है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, टैक्स असिस्टेंट चाहे इनकम टैक्स में हो चाहे जीएसटी में हो, प्रमोशन काफ़ी स्लो हो गया है, तो इस वजह से डिज़ायरेबल तो नहीं है, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको अगर मिल रही है तो एक जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है, 2400 ग्रेड पे में है, आपका प्रमोशन भी अगला सीनियरिटी या फिर इंस्पेक्टर अगला प्रमोशन, दो प्रमोशन बाद आप इंस्पेक्टर बन रहे हो, तो इतना ख़राब नहीं है। तो अब जैसे CGDA, CEGA और CAG का ऑडिटर है, CAG का ऑडिटर सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है क्योंकि उसमें प्रमोशन अच्छा है। तो अगर आपको तीन में से प्रेफरेंस मिलना हो, भरना हो, तो CAG ऑडिटर एक नंबर पे, मतलब तीनों ऑडिटर में से, और सेकंड नंबर पे CGA और फिर थर्ड नंबर पे CGDA। CGDA में क्या है, कैंटीन कार्ड रहता है, आप डिफेंस मिनिस्ट्री के गर्व से गर्वान्वित हो सकते हैं कि मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिला, लेकिन आपका काम क्या होगा, सैलरी से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, तो थोड़ा उस टाइप का नहीं रहेगा जो डिफेंस का रहता है। CGA में बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारी मिनिस्ट्री शामिल रहती हैं, रैंडम एलोकेशन होता है मिनिस्ट्री का, और इंडिया लेवल पर उसमें पोस्टिंग है, और दिल्ली में भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहती हैं, तो आपके दिल्ली मिलने के भी चांसेस रहते हैं, और इंडिया में और अदर जगह पर भी ट्रांसफ़र रहने के चांसेस रहते हैं। WO अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको ऑडिट करने जाना पड़ता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, कुछ लोग ट्रेवल करना पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से इसको प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन WO 4800 ग्रेड पे है, गजेटेड ऑफिसर हो, पहले से ही आप पहले से ही गजेटेड ऑफिसर बन के आते हो, जैसे हम लोग इंस्पेक्टर हैं उसके पहले प्रमोशन के बाद में गजेटेड ऑफिसर बनेंगे, लेकिन वो लोग डायरेक्ट बन के आते हैं। JSO अच्छी पोस्ट है, मेरा दोस्त भी है JSO और काफ़ी एंजॉय करता है, लेकिन JSO में कुछ जगहों पर की पोस्टिंग अच्छी नहीं है ऐसा मैंने सुना है, कन्फर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन JSO की एक अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को जब TA भी नहीं मिलता है तब भी JSO मिल जाता है, तो इसलिए अगर आपका JSO का एग्ज़ाम पास हो जाता है तो आप अगर JSO की पेपर की तैयारी अच्छे से करते हो तो आपका सिलेक्शन JSO में या स्टेटिस्टिकल इन्विजिलेटर में हो जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको TA भी नहीं मिल रहा होता है फिर भी आपको JSO मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। DA के बारे में हमने बताया, DA भी 4200 है, लेकिन DA JSO से मैं मानता हूँ कि अच्छी है। वैसे JSO के अपने अलग फ़ायदे हैं, JSO सेंट्रल में रहता है तो उसके अलग फ़ायदे हैं, उसमें सर्वे करना रहता है तो कुछ लोग जाते हैं, इंटरेक्ट करना लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, तो उनकी एक अलग है राय है। और भैया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ये बीच में बोल दिए हैं, सुनते रहो और सब्सक्राइब भी करते रहो। तो अब अगर आपको कोई और क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके बताना, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक नारकोटिक्स इंस्पेक्टर रहता है, तो कई सारे लोग उसमें कि उसकी पावर देख के उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैंने उनको छोड़कर एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन करते देखा है। ऐसे ही पोस्टल इंस्पेक्टर है, नाम भर का इंस्पेक्टर रहता है, काम ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोग पोस्टल इंस्पेक्टर छोड़ के इनकम टैक्स, वो GST या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर में आने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर काफ़ी अच्छी पोस्ट है, प्रमोशन भी अच्छा रहता है, वर्क कल्चर भी अच्छा है, आप सी पोर्ट पर, एयरपोर्ट, इंजिन सब पर प्रिवेंटिव या कस्टम्स का काम देखते हो, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी समस्या यह है नॉर्थ इंडियन के लिए कि उनकी पोस्टिंग रहती है मुंबई या फिर चेन्नई या जो भी कलकत्ता, ये विशाखापट्टनम, इन सब पोर्ट पर, तो थोड़ा अगर आप नहीं घर से दूर ज़्यादा जाना चाहते हो, अगर उस रैंक पर आप घर के पास रहना चाहते हो तो आप यहाँ रह सकते हो। जैसे मुझे
प्रिवेंटिव ऑफिसर मिल सकता था आराम से मुंबई या फिर चेन्नई, जो भी कलकत्ता जहाँ भी लेना चाहते, लेकिन मैंने उसको चूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे घर के पास रहना था, मैंने इसलिए भोपाल जोन चूज़ कर लिया। लेकिन वो बात अलग है कि मुझे भोपाल जोन से नागपुर भेज दिया, तो दूर के दूर ही रहे। चलिए ठीक है, और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर दीजिए, हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूर कि आप कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय ये ध्यान रखना कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ पोस्ट है तो आप उस पोस्ट को भर दीजिए, अगर आपकी प्रायोरिटीज़ होम स्टेट के पास में या होम स्टेट पाने की है तो आप उस हिसाब से भरोगे तो फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि ये चीज़ हमने बहुत सारे लोगों को देखी है कि नौकरी लगने के बाद में उनको लगता है कि उनको घर के पास में दूसरी पोस्ट मिल सकती थी लेकिन उन्होंने चूज़ नहीं किया, वो बाद में पछताते हैं। तो इसलिए लोकेशन प्लस पोस्ट देखना, ग्रेड पे प्लस लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नमस्कार।